हम सोइल ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े और फिर एसिडी वैदिक आ गई तो हम सक्रिय हो गए कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और कुछ चीज़ों को हमने ट्राई किया, हमें अच्छा परिणाम मिला, इसी कारण हम सक्रिय हो गए और हमारे जो बगीचे हैं उनको हमने एसिडी वैदिक कर दिया। और एसिडी वैदिक के नियम से ही हम चलेंगे और जहर मुक्त जो हमारा अभियान है, जहर मुक्त खेती, उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। एससीटी वैदिक अनार का बगीचा, दोस्तों एससीटी वैदिक अनार का बगीचा मतलब सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी वैदिक जो है उस पद्धति का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा इस बगीचे में जो हमारा अनार का बगीचा है। और आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि हमने एक बार इस पर एससीटी वैदिक का जो फ्रूट चार्जर और क्रॉप चार्जर का स्प्रे कर चुके हैं और उसका हमें बेहतरीन रिजल्ट भी मिला है। अभी तक पत्तों की चमक और किसी भी प्रकार की ऊपर से कोई बीमारी नहीं आई है। जो पहले से जो पत्तों की चमक थी वो बहुत अत्यधिक मात्रा में हो गई है, तो उसी पद्धति का पालन किया जाएगा। इस कारण इस बगीचे को पूरा हम वैदिक तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, वैदिक बनाएंगे। जो वैदिक पद्धति है सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी की वो बहुत ही बेहतरीन है। तो यही हमारी योजना रहेगी कि जो वैदिक का एसिडी वैदिक का जो नियम है उसको पूर्ण रूप से फॉलो किया जाए, सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी वैदिक। और हमारे सामने जो ऑरेंज का बगीचा है हमारा, जिसकी एज 2 years 10 months है, हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसमें भी सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी एससीटी वैदिक के जो पूरा शेड्यूल है उसी वैदिक पद्धति से इसमें भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जो हमारी योजना है वो यही है कि जो भी हमारे बगीचे हैं उसको पूर्ण रूप से वैदिक किया जाए, वैदिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए। और वैदिक पद्धति का इस्तेमाल करने का हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि जो फल है हमारा वो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, बहुत ही अच्छा, जो विषैला नहीं रहेगा, वो केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पौष्टिकता से लेकर उसकी गुणवत्ता अधिक बढ़ जाएगी। तो जो आप पीछे देख रहे हैं अनार का बगीचा है, इसमें वैदिक ट्रीटमेंट चालू हो चुका है। जो हमने फर्स्ट स्प्रे किया था तब से शुरुआत हो चुकी है वैदिक की। आने वाले समय में बेसल डोज भी देंगे हम, तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा किस प्रकार से हम बेसल डोज देंगे और कितनी मात्रा में देंगे। तो पूरी पद्धति अपनाई जाएगी सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी की। और अन्य भी फसलें हैं हमारी, आने वाले समय में सोयाबीन का सीज़न आने वाला है, तो हमारा सबसे बड़ा ट्रायल सोयाबीन पर आएगा। एससीटी वैदिक का प्रयोग जो है वो सोयाबीन की फसल पर भी किया जाएगा, तो जिससे कि हमें पता चल सके कि क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो अनार का बगीचा और संतरा का बगीचा, इन सभी में हम एससीटी वैदिक सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी एससीटी वैदिक का नियम का पालन करेंगे। पूरे हम हमारे बगीचे को वैदिक बना देंगे, जहर मुक्त खेती हमारा लक्ष्य है। किसी भी प्रकार की जहर से युक्त खेती हम नहीं करेंगे, जहर से मुक्त खेती करेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि जहर युक्त नहीं, जहर मुक्त खेती। दोस्तों कब से हम ट्राई कर रहे थे, लगभग 1-2 सालों से, कि हम कैसे जहर मुक्त खेती कर पाएँ और कैसे हम ऑर्गेनिक में आ पाए। और हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें की और धीरे धीरे हमें नतीजा भी मिला, और लेकिन बहुत मुश्किल पड़ रही थी। और अचानक हम सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी से जुड़े और फिर एसिडी वैदिक आ गई तो हम सक्रिय हो गए कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और कुछ चीज़ों को हमने ट्राई किया, हमें अच्छा परिणाम मिला, इसी कारण हम सक्रिय हो गए और हमारे जो बगीचे हैं उनको हमने एसिडी वैदिक कर दिया। और एसिडी वैदिक के नियम से ही हम चलेंगे और जहर मुक्त जो हमारा अभियान है, जहर मुक्त खेती, उसमें हम जरूर कामयाब होंगे और इसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो और भी किसान इससे जुड़ सकते हैं, हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहेगा हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से इसमें कमी नहीं रखेंगे। जो नियम है उसी नियम को फॉलो करेंगे और आपको आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से प्रत्येक चीज़ को बताई जाएगी कि किस प्रकार से फसल और बगीचे की प्रिपरेशन करेंगे एससीटी वैदिक के माध्यम से। और दोस्तों वर्तमान स्थिति में हमारे अनार के बगीचे में कटिंग का कार्य चल रहा है और कटिंग स्वयं हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ पौधे हम जो सेट कर रहे हैं, तो हमने कुछ पौधे सेट करके देखे तो हमें लगा कि हमें पौधों को सेट करना चाहिए अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने पौधों को सेट किया है, जहाँ हमें जो आवश्यकता लगी है, जहाँ 2 टहनियों को रखने की आवश्यकता लगी है वहाँ 2 टहनियाँ रखी हैं, जहाँ पर एक कहीं कहीं सिंगल भी रखी है,
तो दो तीन सिंगल जो हमें उचित लगा है आप देख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कटिंग नहीं की है, आने वाले समय में यहाँ पर भी हम कटिंग करने वाले हैं। तो हमने आधे बीच में से शुरू की है कटिंग। कटिंग करने के बाद बहुत ही छोटे लग रहे हैं पौधे, लेकिन जब इनकी फुटान होगी तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेंगे।